उन्होंने कहा था बेकार बाटा होगा, उन्होंने कहा था कि 50,000 नौकरी मिलेगा, उन्होंने कहा था कि स्मार्टफोन मिलेगा, उन्होंने कहा था कि 7th पे कमीशन लागू होगा, उन्होंने बहुत प्रॉमिसेस किए थे। आज आईपीएफ ने ट्रिपल लाइन डिमांड किया था, कोई अंडर सिग्नेचर भी हुआ था, सीए का सिग्नेचर कहाँ हुआ था भाई? तो त्रिपुरा के बंगाली ने सीए डिमांड ही नहीं किया। और ये गलत बात है, अरे ममता बनर्जी लड़ रही है सीए के खिलाफ, तो ममता बनर्जी के एंटी बंगाली है क्या? तो आप ये बात को क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए कि ये राजनीति का पॉलिटिक्स हो रहा है। और ये मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो सीए पास हुआ है ये हमारे लिए नहीं है, असल में उनको पश्चिम बंगाल जीतना है। पश्चिम बंगाल जीतने के लिए आपने पूरा नॉर्थ ईस्ट को बलिदान कर दिया। और ये जो यूनिटी का बात है, अरे मैंने अभी मैं आप फिर से कह रहा हूँ, मेरा यहाँ में टीम है, ये लोग कंचनपुर जा रहे हैं, मैंने अपने पॉकेट से 150,000 रुपया का चेक दे रहा हूँ, ये लोग एक दो दिन में जा रहे हैं और वहाँ के डीएम को देंगे। क्योंकि जो आनंद बाजार में हमारे बंगाली का घर दुकान टूटा तोड़ा गया, ये गलत बात है। और मैंने कब कहा है कि वायलेंस होना चाहिए? वायलेंस किसी के खिलाफ भी किसी का हल नहीं होता। आज अगर यहाँ में वायलेंस हुआ तो कौन सफर करेगा? सफर जो गरीब है, जो स्टूडेंट है, वो सफर करेगा। नेता लोग तो मोटा होते जा रहे हैं, उनका तो आराम का जिंदगी है। मैं अपने जो लोग आकर इतना लंबा चौड़ा भाषण देके गए, उन्होंने आज तक अपने पॉकेट से 1 रुपया भी दिया है क्या? उनका राजनीति नफरत का है। मैं अपने पॉकेट से 150,000 दे रहा हूँ, आनंद बाजार में जो उसका दुकान टूटा गया वो जाकर प्रशासन को देगा। और प्रशासन मेरे लिए जो आईएएस ऑफिसर बैठता है वो बीजेपी का नहीं होता, कांग्रेस का नहीं होता, आईएनपीटी आईपीएफटी का नहीं होता, वो एकदम क्लियर है। आप लोग दूध को दूध समझिए और पानी को पानी समझिए, उनको मिलाइए मत। मिलाने से मिलावट का राजनीति होता है, इसलिए राजनीति में मुझे नहीं जाना है। ये गंदा राजनीति है, इसी के लिए मैंने कांग्रेस का पद छोड़ा था, क्योंकि मुझे डायरेक्ट बात करता है। अगर आपको पसंद है तो वेरी गुड, अगर ना पसंद है तो आप बोलिए कि ना पसंद है, लेकिन ये मत बोलिए कि आप ये हैं वोट के लिए ये हैं। ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है।